तो देखो भैया, पिछले साल मास मसाला मूवीज का काफी ज्यादा बोलबाला रहा था, लेकिन उसमें भी कई सारी मूवीज ऐसी थी जिन्हें हम सब ने जैसे इग्नोर ही कर दिया था, क्योंकि हमारा भी ध्यान मास मसाला मूवीज की तरफ ही था। तो इस वीडियो में हम ऐसी 10 मूवीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमें एक्चुअल में कंटेंट डिलीवर कर दिया था। नंबर 10 की बात करें तो वहाँ पे एक मराठी मूवी है वायवी नाम से, जो कि एक्चुअल में कॉमेडी थ्रिलर है, और तुम ना इसे अंधाधुन से भी कंपेयर कर सकते हो, इतनी ये तगड़ी मूवी है। और इस मूवी में ना हमें कई सारे सीरियस सिचुएशंस देखने को मिल जाते हैं, आई मीन किसी की मौत वगैरह हो रही है लेकिन फिर भी आपको हंसी आ जाती है, और इसी को तो डार्क ह्यूमर कहते हैं। और मूवी में जनरेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन इस मूवी ने इसे काफी अच्छी तरीके से किया गया है। बस 1 घंटा 45 मिनट्स की मूवी है, जो कि आपको Z5 पर मिल भी जाएगी। लेकिन नंबर 9 की जो मूवी है ना, ये आपके दिमाग को खोल देगी, जो लगभग रतत्संग के लेवल के मजे दे जाती है। आई मीन ये आपको सनी लिपि पे हिंदी में डब इसका मिल जाएगा, बोर तो झील नाम है मूवी का। लेकिन इसमें हमें ऐसे सीरियल किलर की कहानी देखने को मिल जाती है जो काफी सफाई से मर्डर कर जाता है, लगभग एक भी एविडेंस पीछे नहीं छोड़ता, और उसको पकड़ने के लिए उस केस पे लगे है एक सीनियर और एक जूनियर पुलिस ऑफिसर। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मूवी में तुम्हें कई सारे डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर 8 पे आती है एक गुजराती मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसमें हमें एक ऐसी फैमिली देखने को मिल जाती है जो आई तो है वैकेशंस पे, लेकिन एक अनजान इंसान के ब्लैक मैजिक में फंस जाती है। मूवी का नाम नहीं बताएगा, तो मूवी का नाम है वश, जो कि एक्चुअल में तो सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर टाइप की मूवी है, लेकिन इसका 2 घंटे का लंबा स्क्रीन टाइम थोड़ा बोर कर सकता है। लेकिन अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हो तो ये मूवी तो आपके लिए मस्ट वॉच है। और अब तो इसका बॉलीवुड में रीमेक भी बन रहा है शैतान नाम से, इसमें हमें अजय देवगन देखने को मिलने वाले है। और अब जब बॉलीवुड की बात निकल ही गई है ना, तो नंबर 7 पे आती है मनोज वाजपेयी सर की एक्शन थ्रिलर जोरम ये मूवी। और भाई साहब, ये मूवी इतनी तगड़ी होने के बावजूद ना जाने क्यों उसकी मार्केटिंग लगभग ना के बराबर ही हुई थी, लेकिन भाई क्या ही तगड़ा परफॉर्मेंस था मनोज वाजपेयी सर का। आई मीन उन्होंने जो भी अपने एक्टिंग से उनकी जो भी मजबूरी और लाचारी आपको दिखाई ना, ये आपके दिल को चीर देगी। और इसको डायरेक्ट किया है देवाशीष मखीजा ने, जिन्होंने आजी और भोसले जैसी मूवीज बनाई थी, लेकिन बस ये मूवी ना काफी स्लो है, और एक दो जगह तो ये मूवी इतनी स्लो हो जाती है ना कि अगर इसमें से कुछ सीन्स अगर कट भी हो जाते ना तो भी चल जाती, लेकिन ये मूवी आपको काफी ज्यादा मजा दे जाएगी, स्पेशली मनोज सर का परफॉर्मेंस। लेकिन नंबर 6 पे जो मूवी है ना, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर रोमांटिक मूवीज करना हो ना तो वो सिर्फ मृणाल ठाकुर को ही करनी चाहिए, क्योंकि सीताराम मम्मी ये मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि अब इस मूवी के आसपास कुछ और आ ही नहीं सकता, लेकिन मृणाल ठाकुर ने हम सबको गलत साबित कर दिया है। आई मीन वो जिस तरीके से कैरेक्टर प्ले करती है ना भाई साहब, सभी लोगों को ऐसा लगता है कि यार अपनी बंदी हो तो बस ऐसा ही। मैं बात कर रहा हूँ 2 घंटे 44 मिनट्स की हाय नाना इस मूवी के बारे में, जो कि एक फील गुड मूवी है, जो अपने सिंगल पेरेंटहुड का स्ट्रगल दिखाते दिखाते ये मूवी आपको सीताराम के लेवल पे हिट हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हें रोमांस और बाकी की चीजें पसंद नहीं है ना, तो ये मूवी के लिए तो आपको थोड़ी बहुत फील हो सकती है, और इसकी काफी सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन उसमें भी ये स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। और इसके साथ आगे बढ़े तो नंबर 5 पे जो मूवी है ना, वो तो सीधा OTT पे रिलीज हो गई थी, जिसका नाम है अपूर्वा, जो कि एक सर्वाइवल मूवी है, और जो कि बॉलीवुड काफी कम बनाते हुए नजर आता है। आई मीन लास्ट की जो याद है वो तो NH10 और ट्रैप जैसी मूवीज थी, और जो बॉलीवुड काफी कम बनाते हुए नजर आ रहा है। तो लेकिन इस मूवी की बात करें तो देखो, हवस से भरे लड़के क्यूट सी लड़की के पीछे लग जाते हैं, और एक ही बंजर लोकेशन पे चूहे बिल्ली का खेल चालू हो जाता है, और ये लगभग 1.5 घंटे की मूवी है, लेकिन ये हमें अच्छा खासा एंगेज रख जाती है। तो नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे जो मूवी है वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। हैदराबाद में 2 पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां मिसिंग होती जा रही है, और ये चीज रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तेलुगु इंडस्ट्री की 2 घंटे 15 मिनट की हिडिंबा। और अगर आपको क्राइम थ्रिलर पसंद है ना, तो आपके लिए ये एक जन्नत है, क्योंकि ये मूवी चीजें सेटअप करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाती, और हाँ बीच बीच में थोड़ी टिपिकल हो जाती है, लेकिन इसमें हमें जो भी ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं भाई साहब, वो काफी तगड़े हैं, और ये तुम्हें यूट्यूब पे भी ठीक ठाक हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी।
वेल तो नंबर तीन पे जो मूवी है ना वो एक सुपर हीरो मूवी है माविरान, जिसमें हमें एक ऐसे फट्टू कार्टून आर्टिस्ट की स्टोरी देखने को मिल जाती है जो कि एक्चुअल में तो खुद को मारने के लिए जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके चलते उसे फ्यूचर की आवाज सुनाई देता है कि अब इमीडिएटली आगे क्या होने वाला है। पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स मिलके कैसे गरीबों का शोषण करते हैं और क्या उनके सामने हमारा हीरो टिक पाएगा, और अगर टिक भी पाया तो क्या उनसे जीत पाएगा। वेल इसके लिए तो तुम्हें ये मूवी देखनी पड़ेगी, लेकिन इसकी स्टोरी काफी ज्यादा ग्राउंडेड है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करती। नंबर दो पे जो मूवी है ना भाई साहब, इसके स्टार्ट में हमें लगभग 12 मिनट का वन टेक सीक्वेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें सीन तो एक ट्रेन का पटरी पर से खिसक जाने का है, लेकिन उसे जिस तरीके से दिखाया गया ना भाई साहब काफी तगड़ा था वो। इसमें हमें विजय सेतुपति भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो मूवी के सेकंड हाफ में नजर आते हैं, लेकिन उनकी अब तक याद भी नहीं आती, इतनी ये मूवी हमें एंगेजिंग रख जाती है। और ऊपर से मूवी का जो बैकड्रॉप यूज किया गया है और से जिस तरीके से मूवी का कलर ग्रेडिंग किया है ना, वो देखने में आपको काफी ज्यादा मजा दे जाती है। और हाँ, मूवी का नाम नहीं बताएगा तो मूवी का नाम है विदू थलाई। नंबर एक पे जो मूवी है ना भाई साहब, मैं पहले बता दूं कि ये मूवी सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा पुलिस स्टेशन जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया, अपने आप को सीधा 3 गोलियां मार ली है, लेकिन ये सभी चीजें पुलिस स्टेशन के अंदर ही हुए, लेकिन क्या ये एक्चुअल में सुसाइड है और मेन सस्पेक्ट तो उसके कलीग्स ही है। और अब हर एक कैरेक्टर का एसोसिएशन होने वाला है, लेकिन भाई मैं पहले ही बता दूं कि ये उन मूवीज या उन मर्डर मिस्ट्रीज में से है जिन्हें देखने के बाद आपको सर पकड़ लगे कि भाई ये क्या देख लिया मैंने और क्या ही एक्टिंग और डायरेक्शन है। और जो मेन कैरेक्टर है भाई साहब, उसका स्क्रीन प्रेजेंस तो काफी तगड़ा है। 1 घंटे 50 मिनट की इराटा ये मूवी जो तुम्हें नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएगी। तो वेल, इन 10 मूवीज में से आपके लिए कौन सी ज्यादा एक्साइटेड है और आपकी फेवरेट कौन सी मूवी है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इन्हीं सारी चीजों के साथ हम इस वीडियो का बिहेवियर रैप अप कर देते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर कहीं से भी इस चैनल पे नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने रोहित शेट्टी के कॉपी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसे भी जरूर से चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SZTV।